उम्मीदवार बनाया। मेनका सिंह सारंगढ़ से पूर्व राज परिवार की राजा नरेश सिंह की बेटी हैं। मेनका सिंह ने बताया कि रायगढ़ में रेल सुविधाओं की कमी है और सड़कों की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने यहां हवाई सेवा शुरू किए जाने की बात कही है। रात कांग्रेस छत्तीसगढ़ की भी अंतिम सूची जारी करती है, जिसमें कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से इस बार कांग्रेस ने डॉक्टर मेनका सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे साथ मेनका सिंह मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे लेकर ये जनता के सामने जाएंगी। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बताएंगे क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के सामने जाएंगी, इस मुद्दों के बारे में पहले बताइएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमको लगता है सारंगढ़ से लेकर जशपुर तक रेल लाइन, वो बहुत जरूरी है। उसके साथ रोड्स भी, आपको तो पता है क्या कंडीशन है रोड्स का। और जैसे रायगढ़ इंडस्ट्रियल हब है तो टर्मिनल भी होना चाहिए, रेलवे टर्मिनल और एयरपोर्ट। 25 साल से देखिए बीजेपी के सांसद थे यहाँ पे, सांसद थे, कुछ नहीं कर पाए। ये तो सब सेंटर का काम है ना जी, उनको करना चाहिए था। तो देखिए करेंगे, ये सब मुद्दे उठाएंगे। आप स्वयं एक महिला हैं और भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में एक कार्ड खेला था, महतारी मंजन योजना का कार्ड, जिसके तहत भाजपा आज सत्ता में आई है। तो क्या इस बार कांग्रेस या मेनका सिंह रायगढ़ से इस महतारी मंजन योजना कार्ड का क्या तोड़ कर पाएंगी, बताएंगे इस बारे में। एक तो देखेंगे कि जरूर तोड़ तो करेगी पार्टी, जो भी हमारे घोषणा पत्र में है वो देखेंगे। और एक पार्टी ने स्टार्ट किया है महालक्ष्मी योजना, जिसे हर महिलाओं को, गरीब परिवार की महिलाओं को 1,00,000 सालाना दिया जाएगा। और सुरक्षा भी लेडीज को बहुत जरूरी है, जो मेन मुद्दा रहेगा लेडीज के लिए। तो बिना गुटबाजी के एक होके अपन लड़ेंगे सब, और बिल्कुल जीत के दिखाएंगे। जीत के प्रति आश्वस्त कितने प्रतिशत है? बिल्कुल 100। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी मेनका सिंह जी, जो जीत के प्रति आश्वस्त है और इनका साफ तौर पर कहना है कि रेलवे और एयरपोर्ट और सड़कें ये इनकी अहम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर जनता के पास जाएंगी, और अगर जीत कर आती हैं तो निश्चित तौर पर संसद में भी अपनी आवाज को बुलंद करेगी। कैमरामैन प्रमोद के साथ सत्यजीत घोष, न्यूज 18 रायगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी